Welcome back. Well, today's video is all about four secrets to get success. ये end philosophy होती है. हम बड़े बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसी life में कुछ छोटे लोग भी ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. काफ़ी बड़े लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कैसे बेहतर करें, कैसे इम्प्रूव करें अपने आप को एंड कैसे बेहतर बने. एंड हम हमेशा सक्सेस के सीक्रेट्स जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं दैट सबसे बड़े लेसन लाइफ के कम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग्स अराउंड विच इज़ एंड्स. चींटियाँ हमें बहुत बड़ा लेसन देती हैं. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट. वेल, ये एंड फिलॉसफी मैंने ली कहाँ से है? ये एंड फिलॉसफी हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बैक कवर पेज पे है. आई शो यू द फोटो, यू कैन सी. आप स्क्रीन पे अपनी फोटो देख सकते हैं. वेल, द फर्स्ट लेसन इज एंड्स नेवर क्विट. चींटियाँ कभी क्विट नहीं करती. अगर वे किसी तरफ जा रही हैं एंड तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, वो दूसरा वे फाइंड कर लेंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं. दे क्लाइम ओवर अंडर एंड क्लाइम अराउंड. वो हमेशा दूसरा वे फाइंड करती हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रुकती नहीं है. क्विट ना करने के लिए हमें काफ़ी बार रास्ता दूसरा चेंज करना पड़ता है. जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, तो उसमें कभी भी हेजिटेट मत करो. इफ़ यू हैव टू ट्विक इन योर प्लान, यू शुड डू दैट. सेकेंड लेसन वुड बी एंड्स थिंक विंटर ऑल समर. चींटियाँ हमेशा विंटर समझती है, इवन समर्स में भी. ये एक नेचर की प्रोसेस है दैट समर हमेशा लास्ट नहीं करती. समर को जाना है, विंटर को आना है, एंड इसी तरह साइकिल चलती रहती है. समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ऑल दैट, ये सारे अपने पर्टिकुलर टाइम पे जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, एंड फिर कोई दूसरा सीज़न आता रहता है. एंड इससे हम रोक नहीं सकते, राइट? तो एंड्स क्या करती हैं, वो अपना सारा फूड, सारा खाना समर के मिडल में गैदर कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इसके पीछे रीज़न जो है वो है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक, थिंक अहेड. एंड बिकॉज विंटर्स में इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एंड्स टू गैदर फूड, तो वो स्टॉक, फूड का स्टॉक वो समर में ही कर लेती हैं. बिकॉज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज दे आर थिंकिंग अहेड. इसलिए हमेशा लाइफ में रियलिस्टिक रहें, प्रैक्टिकल रहें एंड फ्यूचर के लिए सोचते रहें. हमेशा दो कदम आगे की सोचें. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. आज आपके पास 5,000 रुपीज़ है एंड आपने पूरे 5,000 रुपये एक दिन में उड़ा दिए. आपने ये नहीं सोचा कि कल मुझे इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है. यू आर डूइंग मिस्टेक, तो डोंट डू दैट, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि हमेशा आगे की सोच के चलिए. आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद मेरा ये स्टेप होगा, आज से 2 साल बाद मेरा ये स्टेप होगा. दैट्स हाउ यू ग्रो, राइट? सो हमेशा प्लानिंग के साथ काम कीजिए एंड रियलिस्टिक रहिए लाइफ में. विंटर सीजन में एंड्स रिमाइंड करती हैं दैट ये भी लास्ट लॉन्ग नहीं रहेगा, ये भी लंबा नहीं चलेगा. हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा. अगर यहाँ पे ठंड बढ़ गई, देन दे विल डाइव बैक डाउन, राइट? बट देन दे कम आउट ऑफ द फर्स्ट वार्म डे. लेसन थ्री इज़ स्टे पॉजिटिव ऑल टाइम्स. चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, एंड्स हमेशा पॉजिटिव रहती हैं. एंड जैसे कि मैंने आपको लेसन वन में बताया दैट वो ऑल्टरनेट वे फाइंड कर देती है अगर कोई हर्डल क्रिएट होती है उनके सामने. तो बेसिकली हम इसे अपनी लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं. काफ़ी बार टफ टाइम्स आते हैं, नेगेटिव टाइम आता है, तो हम अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना. बेसिकली स्टे पॉजिटिव ऑल टाइम्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए. आई नो नेगेटिव टाइम्स आएंगे, बट डो नॉट डोमिनेट दैट टाइम ओवर यू. एंड लेसन फोर इज़ ऑल दैट यू पॉसिबली कैन. जितना भी एंड्स गैदर कर सकती हैं समर में विंटर के लिए प्रिपेयर होने के लिए, वो उतना कर पाती हैं. जितना ज़्यादा हो सकता है वो उतना ज़्यादा गैदर करती हैं समर में, सो दैट वो विंटर के लिए प्रिपेयर हो सके, राइट? नेक्स्ट लेसन वुड बी डू ऑल यू कैन एंड मोर. जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा कीजिए, राइट? कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहिए कि इतना हो गया, दैट्स इट, दैट्स ओके. अगर मैं नटशेल में बात करूँ तो फर्स्ट इज़ नेवर गिव अप, सेकेंड इज़ लुक अहेड, थर्ड इज़ स्टे पॉजिटिव, एंड फोर्थ इज़ डू ऑल यू कैन. एंड जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे बुक के बैक कवर पेज पे, डोंट बी इनकम्बर्ड बाई हिस्ट्री, जस्ट गो आउट एंड डू समथिंग वंडरफुल. इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन देन इट इज़, कभी भी हिस्ट्री में जो हुआ उससे अपनी लाइफ को हैम्पर मत कीजिए. बाहर निकलिए एंड कुछ वंडरफुल कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट. अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, एंड वहाँ से 399, जस्ट 399 की प्राइस में आप एक कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं एंड घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.